इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है एयर। एयर ऐसा वर्ड है या पर्सन है जो इसमें भी है। एक्चुअली राम ही तो एयर है, राम है वही एयर है। अब हमको इस टेबल में ये देखना होता है ये कहां है, क्योंकि जब अगला सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तो हम लोग कहेंगे राम इस्ट माइन ब्रूडर, राम मेरा भाई है जो कि रशिया में पढ़ता है। जो कि तो मीनिंग निकलेगा हु का, राम मेरा भाई है जो कि, तो हु का मीनिंग निकलेगा। ऐसे ही हर बार हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, कोई थिंग है तो मान लो दैट या विच कहना चाहो आप, और ये हु हुम हो जाएगा अगर अकुजेटिव आ रहा है, और टू हुम हो जाएगा अगर डेटिव आ रहा है तो। सो ये कॉमन फैक्टर हमको देखना होता है पहली बात। तो जैसे ही आपको दो सेंटेंस दिखे, अब इसमें तो आप समझ गए होंगे कि ये एयर है तो कहां मिलेगा, हर बार सबसे पहले कहां मिलेगा इसका एड्रेस इस टेबल में देखने के लिए आपको ये देखना होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, या फिर पहली बात तो ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है। जो कॉमन फैक्टर है पहली ये चीज चेक कर लो कि इनमें से ये क्या है। सपोज यहां पे आपने देखा कि ये मैस्कुलिन है, पता चल गया मैस्कुलिन है एयर, राम के लिए आया है। फिर अगला क्वेश्चन आप ये पूछो कि एयर है इसका केस क्या है, केस इसका केस क्या है, केस का मतलब है कि ये नॉमिनेटिव है कि अकुजेटिव है कि डेटिव है। तो ये भैया नॉमिनेटिव है, इस केस में यहां पे ये नॉमिनेटिव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलवेज नॉमिनेटिव होता है। केस का मतलब यही है कि ये नॉमिनेटिव है, अकुजेटिव है या डेटिव है या कुछ और है, राइट। और फिर इसका फॉर्मूला क्या है, वर्ड ऑर्डर आप कह सकते हो। वर्ड ऑर्डर में हम लोग एक काम करते हैं, पहले पहला सेंटेंस नॉर्मल रख दिया करो, और भी ट्रिक बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी अपन एक काम करते हैं पहला सेंटेंस नॉर्मल रखते हैं। राम इस्ट माइन ब्रूडर, उसके बाद में कोमा, वर्ड ऑर्डर पहला एक बार नॉर्मल रख रहे हैं, फिर कोमा लगा दिया हमने, जो कि रशिया में पढ़ता है। अब जो कॉमन फैक्टर है ये रिलेटिव प्रोनोमन कनेक्टर काम करेगा, कनेक्टर काम करेगा का मतलब है कि वर्ब लास्ट में चली जाएगी, तो इसकी जगह एयर नहीं लिखना। अब एयर को हटा के हमको जो कॉमन है जो कि हमने निकाल लिया मैस्कुलिन और नॉमिनेटिव, मैस्कुलिन और नॉमिनेटिव तो यहां है, तो राम के लिए हम लोग डेयर लिखेंगे, यहां पे डेयर इन रूसलैंड वर्ब लास्ट में स्टूडियट, ये रिलेटिव प्रोनोमन हो गया। ऐसे हम लोग हर बार देखेंगे कि कॉमन फैक्टर नॉमिनेटिव है कि अकुजेटिव है कि डेटिव है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप, थोड़े से सेंटेंस बनाओ, अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करता हूं। डांक शोन।